The Relay satellite in number 232, Relay satellite transmits the TV program continuously from one part of the world to the other part. Communication satellite का मतलब आपको समझ में आने चाहिए that the satellite is revolving in the equatorial plane, पहला point, in the same direction as that of the Earth's spin, the second point to be noted, and the periodic time is same as that of the Earth's spin, which is equal to 24 hours. From west to east, equatorial plane in the same direction, in equatorial plane, west to east, same direction as that of the Earth's spin. And the third point, the periodic time is same as that of the Earth's spin, which is 24 hours. So, yahan par, for an observer on the Earth, the satellite will appear to be stationary. And the reason is, the period is equal to the period of rotation of the Earth about its axis. इसीलिए continuous transmission is possible. अभी आप देख लीजिए 236 में choose the incorrect statement from the for about the geostationary satellite. Telecommunication satellite, geostationary, geosynchronous, all the words are same to remember. Incorrect statement क्या है? Beep अगर पढ़ेंगे आप, it lies in the equatorial plane, correct है. Height is about 36,000 kilometers. Rotation circular orbit, ये भी ठीक है. तो ठीक कौन सा नहीं है? It moves from east to west. In fact, it moves from west to east. Correct statement क्या है? West to east. तो यहां पर इन्होंने दिया है east to west. So A is wrong. उसको select करेंगे आप. For number 240, what is given there? Polar satellites are sun synchronous satellites. इस चीज को समझ लेंगे. सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? इट इज अ नियरली पोलर सैटेलाइट. पोलर सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? उसका ऑर्बिट जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पासेस ओवर दीज टू पॉइंट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज पोलर ऑर्बिट. और पोलर ऑर्बिट को हम सन सिंक्रोनस बोलने का रीजन देख लीजिए क्या है, कि वो जो सैटेलाइट जो रहता है बार बार द गिवन पॉइंट ऑफ द प्लैनेट सरफेस पे पास होते रहेगा एट द सेम लोकल सोलर टाइम. एक अदर पॉइंट अगर आपने कंसिडर किया ऑन द प्लैनेट सरफेस, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे से ये पोलर सैटेलाइट पास होगा एट द सेम लोकल सोलर टाइम. इसीलिए पोलर सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? सन सिंक्रोनाइज्ड. पोलर सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? पास कैसा होगा? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे पास, वैसे इट विल कीप रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट. और उसको सन सिंक्रोनस बोलने का रीजन क्या है? सैटेलाइट पासेस ओवर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो आप प्लैनेट सरफेस पर, इट विल पास एट द सेम लोकल सोलर टाइमिंग. वेल, नंबर इज 244. अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर इन अ सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस. व्हाई? मेरे ख्याल से इस पर डिस्कशन काफी हो चुका है पहले ही. से पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सर्फेस और उसका वेट एक्ट कर रहा है इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इट इज वेरी क्लियर दैट द रिएक्शन इज इक्वल टू एमजी. ये जो आदमी जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऑन द अर्थ सर्फेस, फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू एमजी. उसने जो फोर्स एक्सर्ट किया उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन फ्लोर ने एक्सर्ट किया फोर्स इक्वल टू एमजी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो उनको समझ में आता है. सो ही गेट्स द फीलिंग ऑफ वेट. आई रिपीट दिस, आदमी ने फोर्स एक्सर्ट किया एमजी, उसको समझ में नहीं आएगा कितना फोर्स उसने एक्सर्ट किया है, बट दिस इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय the flow on the man. यह उसको समझ में आता है, इसीलिए he says that he has weight. Satellite which is revolving, उस detailed discussion में हम तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन when it is revolving in a circular orbit, it will mean it is falling.
और उसकी हाइट जो है इट इज मेंटेन कॉन्स्टेंट। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, फ्लोर के ऊपर में आदमी खड़ा है, उसने एक्सर्ट किया फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज उसने एक्सर्ट किया फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्लोर ने एक्सर्ट किया फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन फ्लोर अगर नीचे जा रहा है विथ एक्सीलरेशन इक्वल टू, आपका फ्लोर नीचे जा रहा है विद एक्सीलरेशन इक्वल टू जी, आप भी नीचे जा रहे हैं विद एक्सीलरेशन इक्वल टू जी, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन इज इक्वल टू जीरो। उसने फोर्स एक्सर्ट किया जीरो, सो द रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मैन एंड सो इट गेट्स अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। इतना ध्यान में रखेंगे, व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इट कीप्स फॉलिंग, उसका एक्सीलरेशन रहता है इक्वल टू जी। When the satellite is revolving, उसका एक्सीलरेशन कितना, इट इज इक्वल टू जी। ये अगर लिफ्ट का फ्लोर है, ये नीचे जा रहा है विद एक्सीलरेशन इक्वल टू जी, आदमी भी नीचे जा रहा है विद एक्सीलरेशन इक्वल टू जी, उसने फोर्स कितना एक्सर्ट किया, इक्वल टू जीरो। फोर्स उसने कुछ एक्सर्ट किया ही नहीं, तो रिएक्शन कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। सो नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पर्सन, सो इट गेट्स अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। इन शॉर्ट, एक्सीलरेशन ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू जी, तो रिएक्शन जीरो है, और रिएक्शन जीरो है इसलिए ही गेट्स अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे, आप बोलेंगे द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, सो ही गेट्स अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। 243 को अगर आप रिफर करेंगे, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ सैटेलाइट इज इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्री फॉल। वो नीचे गिरते ही रहता है विदाउट कमिंग क्लोजर टू द अर्थ, इट इज अ फ्री फॉल। टू रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल ही गेट्स अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे आप, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल ही गेट्स अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। जीरो ग्रेविटी नहीं रहती है, जीरो ग्रेविटी कंडीशन रहती है, बट जीरो ग्रेविटी इज नॉट देयर। ध्यान में रखेंगे, जीरो ग्रेविटी का मतलब होगा देयर इज नो ग्रेविटी। लेकिन अगर मैंने ये वर्ड इंसर्ट कर लिया है जीरो ग्रेविटी कंडीशन, इट विल मीन ग्रेविटी जीरो नहीं है, लेकिन कंडीशन कैसी है, एज इट देयर इज नो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी का मतलब होता है नो ग्रेविटी, और जीरो ग्रेविटी कंडीशन का मतलब होता है दैट कंडीशंस कैसी है, एज इफ देयर इज नो ग्रेविटी, बट द ग्रेविटी इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर नंबर 248, आई थिंक देयर हैज बीन अ प्रिंटिंग एरर देयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। कंजर्वेशन एंगुलर वेलोसिटी का नहीं होता है, लीनियर वेलोसिटी का नहीं होता है, वेट का भी नहीं होता है, कंजर्वेशन होता अगर है तो इट इज फॉर लीनियर मोमेंटम। सो वेल एनीवे, इसमें जो करेक्शन टर्म्स इंट्रोड्यूस करके अपन बाद में देख लेंगे इसको। 248 के लिए आई एम डीलिंग विद 252, द रेडियस ऑफ द मास ऑफ द अर्थ आर इंक्रीज बाय 0.5%, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। 252 के लिए यहां पर इट्स गिवन टू यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू दिस। अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, बोथ ऑफ देम आर इंक्रीज्ड, आपने इसको भी इंक्रीज कर दिया है और इसको भी इंक्रीज कर लिया है, बट यहां पे स्क्वायर फैक्टर है और यहां पर इट इज जस्ट अ लीनियर फैक्टर। तो मास अगर आपने बढ़ा दिया है By 0.5%, g will definitely increased, लेकिन यहां पर it is 0.5% का increase, यानी वहां पर कितना हो गया 0.5 the whole square। Again, एक particular इसमें it will create a confusion। तो what is to be done now? एक lesson को अपन deal करेंगे, g is equal to this g। मास का मतलब होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर, सो जी इज इक्वल टू 4π/3
ये कैंसल होने के बाद आपको मिलेगा इक्वल टू आर। तो इस पर्टिकुलर केस में इन दिस केस वी हैव मास हियर, इट इज इंक्रीज बाय 0.5, दिस इज इंक्रीज बाय 0.5 अगेन, इंक्रीज हियर विल कॉज अ डिक्रीज, सो दैट शुड बी द आंसर। फॉर दिस प्रॉब्लम नंबर 256 हियर, अ प्लैनेट जिसका रेडियस आपको दिया गया है विच इज इक्वल टू 1/5 रेडियस ऑफ द 1/10 रेडियस ऑफ द अर्थ, इट इज नॉट 1/5, इट इज 1/10 रेडियस ऑफ द अर्थ हैविंग द सेम डेंसिटी। साइंटिस्ट डिग अ वेल जिसका डेप्थ है आर बाय 5 एंड लोअर्स अ वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड द डेंसिटी, द वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर, द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाय द पर्सन होल्डिंग द वायर, वो निकालना है। वायर की टोटल लेंथ है इक्वल टू आर बाय 5 और इफ द पर्सन इज होल्डिंग इट, इसका मतलब है द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन इन द अपवर्ड डायरेक्शन हैज टू बी इक्वल टू वेट ऑफ द वायर। द पर्सन इज स्टैंडिंग एट द टॉप हियर, इफ इज होल्डिंग द वायर, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इक्वल टू द वेट ऑफ द वायर। प्रॉब्लम कैसा है यहां पर कि जैसा नीचे की तरफ जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होने के कारण द वेट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। हमको टोटल वेट निकालना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे नीचे की तरफ जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होने के कारण वेट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो आपको इसका टोटल वेट निकालना है। हमारा जो फॉर्मूला है GD is equal to G 1 minus D upon R. This is acceleration due to gravity at depth D. This is equal to acceleration due to gravity on the surface and R is the radius. लेकिन यहां पर R is the radius of the earth which is given to you in this formula here. हम parallel formula इसके लिए निकालना चाहेंगे सबसे पहले। अभी उसका radius कितना है? 1/10 है। The density is same. So what will be the acceleration due to gravity of this planet here? ये हमको निकालना सबसे पहले। Now this g is equal to gm upon r square. तो ये रहेगा equal to g upon r square और m रहेगा 4/3 pi r cube into density. So g is equal to यहां पर this will be 4 पाई आर जी रो अपॉन 3। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आप देखेंगे बाकी के पूरे टर्म्स कैंसल हो जाते, सिर्फ आर बचेगा। सो दिस इज आर पी अपॉन आर ई एंड इट इज वेरी क्लियर that RP upon RE, I'll take this to be equal to RP, so RP upon RE is equal to 1/10 and so we have acceleration due to gravity is equal to acceleration due to gravity on the earth upon 10, ye 10 hai, so 10 upon 10 is equal to 1, so for the planet acceleration due to gravity on the planet is given by 1 meter per second square. Hamara interest kis mein hai? So acceleration due to gravity at depth x will be equal to acceleration due to gravity on the surface of the planet 1 minus x upon r. टर्म्स पूरे समझ लेंगे फिर से एक बार। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ टी
is equal to acceleration due to gravity on the surface. This is acceleration due to gravity on the surface of the planet. 1 minus d upon r. This is 1 minus x upon r. This r is the radius of the planet. बात ध्यान में रखेंगे, यहां पर मैंने डेप्थ डी लिया है और यहां पे लिया है डेप्थ एक्स. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू. नाउ अगर मैंने यहां पर जिसकी डेप्थ में लेता हूं टू बी इक्वल टू एक्स, वहां पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी एक्स, तो उसका वजन कितना रहेगा और द फोर्स एक्टिंग ऑन इट will be equal to mass of that element into acceleration due to gravity at that particular depth. The force acting in the downward direction will be mass of the element will be equal to lambda, mass per unit length, uska length kitna dx hai, multiplied by this, which is gp in bracket 1 minus x upon rp. फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एलिमेंट, उसका मास में मान लेता हूं dm है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट लेंगे अपन. सो दिस dm विच इज मास ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ इन टू दिस क्वांटिटी. तो अभी अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट. अब टोटल फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन द लिमिट्स लैम्डा, दिस इज जीपी इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आरपी मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स. उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन दिस लिमिट. इंटीग्रेशन का पार्ट उसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है, लेकिन एक बात समझ लेंगे. आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट है फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. वायर की लेंथ है आर बाय फाइव. जैसा आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने के कारण उसका वजन कम होगा. हमको टोटल वेट निकालना है. तो सबसे पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वेरिएशन कैसा रहता है. It is equal to gp in bracket 1 minus d 1 minus x upon rp. x kya hai? Depth at that particular point. Depth jahan par x hai wahan par acceleration due to gravity hota hai. And force acting on the element jiska length hai equal to dl, that will be equal to dl multiplied by acceleration due to gravity. Aur dl kitna aata hai? It is equal to lambda into dx. तो ये पार्ट मिल गया. एंड व्हाट इज दिस? इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट निकालने के लिए हमने इसको यूज किया है. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी. सो एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस दोनों को हमने डिवाइड कर लिया. तो यहां पर मुझे मिलेगा रेडियस ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल टू 1/10. तो ये मुझे मिल गया इक्वल टू 1 m/s². वेल, इसको इंटीग्रेट करने के बाद अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के स्टेप्स मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है. इट इज लैम्डा इंटू जीपी, ये कॉन्स्टेंट है. इसका इंटीग्रेशन रहेगा इक्वल टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये रहेगा आर पी. एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी दिस. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, और सिंप्लीफाई करने के बाद द आंसर वर्क्स अप टू बी इक्वल टू हाउ मच. पूरे सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद आंसर चेक कर लीजिए. इट वर्क्स अप टू बी इक्वल टू 108 newtons. यह आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. वेल, फास्ट करके देख लेते हैं. आरपी एफ इज इक्वल टू लैम्डा 10^-3, दिस इज इक्वल टू 1, ये रहेगा आर बाय 5. एंड व्हाट इज दिस आर इक्वल टू? आर इज इक्वल टू 6 × 10^5.
6 इंटू 10 टू द पावर 5 क्यू मिला, देख लीजिए आप आर ई कितना दिया, 6 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, अपॉन दिस विल बी अपॉन 5 माइनस आर, अगेन आर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, एक काम करते हैं सबसे पहले आई राइट दिस अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 50, तो यहां पर मुझे मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 3 और दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 36 इंटू 10 टू द पावर 10 अपॉन 50। इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यू आर बाउंड टू गेट द रिजल्ट। As observed from the earth, the sun appears to move in circular orbit. Actually, it is the earth which is moving around the sun. But for us, the sun appears to be moving in a circular orbit. For the motion of the other planet like Mercury, as observed from the planet, from the earth, this would be. Now, एक बात ध्यान में रखेंगे. Basically, the planet Mercury is revolving around the sun. And the earth is revolving again round the sun. So because of the relative motion between the sun, earth and the mercury, relative motion between the earth and the mercury, उसका जो path है mercury का, it cannot be circular. तो इसका option C बचता है. For the motion of the another planet like mercury as observed from the earth, this would not be true because the major gravitational force on the Mercury is due to the sun. अब बात ध्यान में रखेंगे, there is definitely relative motion, तो circular path तो हो ही नहीं सकता है. So the reason is it cannot be true. No doubt, from Earth the sun appears to be in a circular orbit, but from the Earth Mercury won't be circular because both the planets are in motion. 264. Dependence of intensity of gravitational field with the distance from the center is correctly represented by. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था that the expression for electrical for gravitational intensity and G is same. G का expression क्या है? It is equal to at the depth d, it is given by g 1 minus d upon r. D is equal to capital R minus r, where r is the distance measured from the center. तो मुझे ये मिलेगा equal to g r upon r. G के जगह में मैं substitute कर रहा हूं g m upon r square, so this will be r cube into r. So definitely e, ये डिस्टेंस कैसे आप मेजर कर रहे हैं? फ्रॉम द सेंटर. आप देख लीजिए, ये अगर पॉइंट है, दिस डेप्थ इज इक्वल टू डी, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना है, इज इक्वल टू आर. सो एट दैट डेप्थ इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर क्यूब इन टू आर. इट विल मीन दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, जी एम आर क्यूब इन टू आर. आपको यहां पर मिलेगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डेफिनेटली यू मस्ट गेट अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर हम ग्राफ बनाते यहां पर, दिस इज आपको क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एंड व्हेन यू कम आउटसाइड यहां पर अगर पॉइंट रहेगा द
this g is equal to gm upon r square. तो इसका मतलब यह होता है g is inversely proportional to r square. तो आपका ग्राफ इस प्रकार से रहेगा. सवाल सिर्फ यह आता है, पहला पार्ट स्ट्रेट लाइन है, द सेकेंड पार्ट इस प्रकार से जा रहा है आपको, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. नेगेटिव साइन का रीजन क्या है? दिस इज वॉट द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास. Both r vector and the force are oppositely directed, so we get this negative curve. We get E is in the negative direction, or you can say that both of them are in the opposite direction. इसलिए negative side के तरफ उसको दिया गया. आप देख लीजिए, E gravitational intensity and acceleration due to gravity ये दो different terms हैं, उसके formula same है. The magnitude is same and the direction is same. ऐसा बोल सकते हैं हम. यहां पर दिस जी डी का फॉर्मूला क्या है? इट इज जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर आपने ग्राफ बनाए जी डी और आर के बीच में, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी. जी डी इज सेम एज ई, तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलती है. और बाद में देयर इज अ डिक्रीज, दिस इज द कर्व विच इज ऑब्टेन. नेगेटिव साइन का रीजन क्या है? बोथ दीज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. आर एंड ई आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, दैट द रीजन फॉर इट. वेल, फॉर 268, a mass m on the surface of the earth is shifted to the target equal to the radius of the earth. If r is the radius, m is the mass, then the total work done in the process. Ab total work done in the process agar nikalna hai, that is 268. Kinetic energy ke bare mein baat hi nahi ho rahi hai. So this is the earth aur aap usko yahan par leke aa gaye. To yahan par work done, शिफ्टिंग कैसी किया आपने? इट इज बीन शिफ्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू दिस. आप क्या निकालेंगे? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. यहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. एंड डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है. माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. सो potential energy at height equal to r minus potential energy at height equal to zero, this will be minus g mm upon r plus h ke jagah mein r minus of minus g mm upon r. So the answer to this, the work done, potential energy aapne badha diya. और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय द डिफरेंस. सो वी हैव दिस टू बी इक्वल टू हाफ जी एम एम अपॉन आर. आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया गया है. आपने यहां पर क्या किया है? दिस इज जी एम की जगह में आर स्क्वायर जी सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू एम. वन आर विल गेट कैंसल्ड, तो आपको मिलेगा एम जी आर अपॉन टू. दिस शुड बी द आंसर. याद रखने का एक सिंपल तरीका, जब आप ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा. एंड द वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच इज इक्वल टू आर. पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच इज इक्वल टू जीरो. 272 के लिए देख लीजिए आप. Acceleration due to gravity on the moon is 1/6. If the ratio of the densities are given to you, the radius of the moon in terms of radius of the earth निकालना है. Best तरीका यह है इसमें, find the relation. This g is equal to gm upon r square. Density factor यहां पर नहीं है, हम उसको introduce कर लेंगे. Mass is equal to volume into density. तो ये आपको रिलेशन मिल गया. सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर जी रो अपॉन 3. सो वी हैव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ. दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ. Density of the moon upon density of the earth. आपको भी यहां पर दिया गया है. Density of the earth upon moon.
डेंसिटी ऑफ द अर्थ अपॉन मून इज इक्वल टू 5/3, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3/5 एंड दिस इज इक्वल टू 1/5 और ये रहेगा आर एम अपॉन आर ई मल्टीप्लाइड बाय सो दिस इज इक्वल टू 1/6 तो आपको रेशियो बनता चाहिए वी वॉन्ट रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू आर ई 5/18 देख लीजिए आंसर आता है कि यस इट इज 5 आर ई अपॉन 18